गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर वन ऑफ यूनिट टू, वी हैव नेक्स्ट चैप्टर इन फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। एंड इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर हैज सो मेनी पार्ट्स। द ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी हियर, दीज आर नोन एज सेपल, एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। दिस वन इज अ कलरफुल पार्ट, दीज आर नोन एज पेटल्स। The group of petal is known as corolla, and these two structure you see here, these are the male part of the flower known as androecium or stamen. It consists of two part, anther and filament. Anther has pollen grains in it, means male gamete, and this in between part is the female part or gynoecium. It is also known as carpel or pistil. It has stigma, style and ovary, and inside ovary small rounded structure present known as ovules. After fertilization, ovule change into seed and ovary change into fruit. This one is all about the flower. Then some terms related to flower, such as your complete and incomplete flower. Complete flower वो flower होता है जिसमें चारों होल present हो। चारों होल कौन से? जिसमें calyx भी हो, corolla भी हो, androecium भी हो और gynoecium भी हो। लेकिन जिसमें किसी एक की भी कमी होगी तो वो क्या कहलाएगा? Incomplete flower। Then ऐसे ही आपके bisexual, perfect और monoecious flower होते हैं। ऐसे flower जिसमें male और female part दोनों एक ही फूल के अंदर present हो वो कहलाते हैं bisexual flower। उन्हें मोनोशियस भी बोलते हैं और परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं। लेकिन जिसमें मेल और फीमेल में से सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या कहलाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर या डायोशियस। देन कुछ केसेस में फ्लावर के अंदर अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसे ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे, और कुछ में अगर ब्रैक्ट नहीं है तो उसे ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। देन अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट, ये तीन टाइप के हैं। आप बोल सकते हो कि अगर इनकी अरेंजमेंट देखें फ्लोरल पार्ट की, तो ये तीन टाइप की अरेंजमेंट है। एक है हाइपोगाइनस, एक पेरीगाइनस और एक एपीगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें सेपल, पेटल, स्टैमन जो है वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं, यानी इसमें ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर, जैसे कि आपका टोमेटो या मस्टर्ड का प्लांट होता है। देन पेरीगाइनस वो होते हैं जिनमें जो थैलेमस है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उससे हमें जो ये सेपल है, पेटल है, स्टैमन है, ये निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसमें जो ओवरी होगी वो सेमी इन्फीरियर होगी। ऐसे ही एपीगाइनस, जब थैलेमस कम्प्लीटली एनक्लोज हो जाए ओवरी के द्वारा और ओवरी की वॉल उससे फ्यूज़ हों, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो सेपल, पेटल और स्टैमन है वो ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, और इसमें जो ओवरी होगी वो कम्प्लीटली इन्फीरियर होगी। ये होता है आपके कुकुम्ब, जो भी खीरा, ककड़ी, एप्पल, गवावा, इन सब के केस में जो कंडीशन है वो एपिगाइनस होती है। नेक्स्ट है आपकी सिमेट्री। अगर हम देखें तो तीन टाइप की सिमेट्री होती है फ्लावर की। एक होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक जाइगोमॉर्फिक और एक एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वो जिसे आप किसी भी प्लेन से अगर काटो तो वो आपको दो मिरर इमेज अगर ना दे तो वो एसिमेट्रिक कहलाती है। देन जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक वो फ्लावर होते हैं जो आपको अगर आप एक वर्टिकल किसी एक प्लेन से उसे वर्टिकली काटे तो आपको दो सिमिलर पार्ट्स उसके मिले तो वो क्या कहलाता है? जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या डिफरेंस है कि वो अगर आप फ्लावर को किसी एक वर्टिकल सेक्शन से काट रहे हैं और आपको एग्जैक्ट इक्वल इमेज मिल रही है तो वो क्या कहलाता है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। यानी अगर आप यानी कि फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटेंगे अगर उसकी सेंट्रल एक्सिस से तो आपको टू इक्वल इमेज मिलेंगी तो वो क्या कहलाती है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। देन नेक्स्ट वन इज़ योर एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट क्या है फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल का, वो कहलाता है एस्टिवेशन। ये वेलवेट हो सकता है, वेलवेट यानी कि ऐसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेलवेट है, यानी कि एक दूसरे के कोने भी टच नहीं कर रहे हैं लेकिन एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या होगा कि एक दूसरे के अंदर होंगी मार्जिन लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, एक कम्प्लीटली अंदर होगी, एक कम्प्लीटली बाहर होगी, और जो बाकी की तीन है वो अंदर बाहर, यानी एक मार्जिन उनके अंदर होगी एक बाहर होगी। वैक्सिलरी में क्या होगा, एक जो ऊपर वाली आपकी
लेयर है, ये आप कह सकते हो कि ऊपर वाला जो सेपल और पेटल का कवर है वो बहुत बड़ा होगा, कम्प्लीटली बाहर होगा वो, और एक कम्प्लीटली अंदर होगा, और दो अंदर और बाहर होंगे इनके। ये क्या है, कुछ अरेंजमेंट है सेपल और पेटल की फ्लावर के अंदर। देन आता है आपका कैलिक्स, अगर सेपल फ्री हैं एक दूसरे से तो वो पॉलीसेप्लस कहलाता है, अगर सेपल फ्यूज हैं तो गैमोसेप्लस कहलाता है। ऐसे ही अगर पेटल फ्री हैं तो पॉलीपेटलस कहलाएगा, और अगर पेटल यूनाइटेड हैं फ्यूज्ड हैं तो वो गैमोपेटलस कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके अरेंजमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। देन पेरियंथ है, वेन द टू एसेसरी होल कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड, यानी जब आपको पता ना चले कि कैलिक्स कौन सा है कोरोला कौन सा है, दोनों आपस में फ्यूज हों तो वो कहलाएगा पेरियंथ। ऐसे ही आपके अगर स्टेमन की देखें अरेंजमेंट, तो अगर सारे स्टेमन यूनाइटेड हैं और एक ग्रुप बना रहे हैं अपने फिलामेंट्स के थ्रू जुड़ के, लेकिन उनके जो एंथर हैं वो फ्री है, तो वो क्या कहलाएगा, मोनो एडल्फस कंडीशन। डायडल्फस में क्या होगा कि जो फिलामेंट हैं वो एक दो ग्रुप में जुड़े होंगे और उनके स्टेमन्स जो उसके एंथर हैं वो फ्री होंगे, ये पी में होता है। पोलियडल्फस में जो फिलामेंट हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, और स्टेमन इनके ऊपर फ्री होते हैं। ये भी आपका बोम्बैक्स वगैरह में जो आपके बैम्बू ट्री वगैरह होते हैं, सिट्रस प्लांट होते हैं, उनके अंदर होता है। ऐसे ही आपका अगर लेंथ देखें स्टेमन की, तो डायडायनामस और टेट्राडायनामस ये कंडीशंस हैं इसके अंदर। दो देखो, जो डायडायनामस है उसमें दो जो एंथर होंगे वो बड़े होंगे और जो अंदर वाले दो होंगे वो छोटे होंगे। ऐसे ही टेट्राडायनामस में क्या है, जो बाहर वाले दो हैं वो छोटे हैं, बाकी के जो चार हैं वो बड़े हैं। ऐसे ही आपका अगर नंबर देखें हम एंथर का, अगर दो लोब्ड एंथर है तो वो कहलाता है मोनो, वन लोब्ड है तो वो कहलाएगा मोनोथीकस, और टू लोब्ड हैं तो वो कहलाएगा डायथीकस। तो ये कुछ आपके टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो आपको फैमिली जब आप पढ़ोगे तो आपको काम आएंगे। ऐसे ही अगर कार्पल की बात करें फीमेल पार्ट की, तो एपोकार्पस कहलाता है। पिस्टल अगर दो या दो से ज़्यादा कार्पल हैं तो वो, लेकिन वो फ्री हैं तो एपोकार्पस कंडीशन है। अगर पिस्टल दो या दो से ज़्यादा है लेकिन वो फ्यूज्ड हैं तो वो सिनकार्पस कंडीशन है। देन प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि ओव्यूल की अरेंजमेंट कैसी है ओवरी के अंदर, वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। जैसे मार्जिनल जो है वो लेग्यूम प्लांट्स में होती है, एग्जाइल जो है टोमेटो वगैरह में होगी, पेराइटल ब्रेसिका मस्टर्ड वगैरह में होगी, बेसल जो आपकी सनफ्लावर में होती है। तो ये कुछ आपके प्लेसेंटेशन है यानी अरेंजमेंट है ओव्यूल की। देन है इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरिसेंस होता है कि जो आपका फ्लावर है, जब एक से गुच्छे में जो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं तो उनकी जो अरेंजमेंट है, यानी एक से ज़्यादा फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाती है फूल के अंदर, वो कहलाती है इनफ्लोरिसेंस। ये भी कई टाइप की है, जैसे रेसीम है, स्पाइक है, स्पाइकलेट है, इन सब के आपको एक एक एग्जांपल याद रखना है। देन आता है आपका फ्रूट, फ्रूट क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी फ्रूट में। एक होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं और सीडलेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जो फ्रूट होता है उसमें तीन पार्ट होंगे, जो आउटर लेयर होगी उसकी उसे पेरिकार्प बोल लेंगे, जो बीच की होगी उसे मेसोकार्प, और जो बार जो अंदर वाली होगी उसे एंडोकार्प बोलते हैं। तो हर एक फ्रूट का कुछ ना कुछ एडिबल पार्ट होता है, किसी का एपिकार्प खाया जाता है, किसी का मेसोकार्प, किसी का एंडोकार्प। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट है, फ्रूट जो हैं आपके वो तीन टाइप के हैं, सिंपल एग्रीगेट और कंपोजिट। सिंपल फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं या कार्पल के एक या दो कार्पल से जो डेवलप होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके सिंपल फ्रूट। इसमें आपके ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं। देन है आपका एग्रीगेट फ्रूट, दीज डेवलप फ्रॉम सेवरल ओवरी ऑफ फ्री कार्पल इन द सेम फ्लावर। ये भी ओवरी से ही डेवलप होते हैं लेकिन बहुत सारी, इसमें आपकी बेरी, ड्रूप, ये सब आते हैं। देन है कंपोजिट फ्रूट,
इन्हें मल्टीपल फ्रूट भी बोला जाता है, और ये इनफ्लोरिसेंस से डेवलप होते हैं जो आपस में फ्यूज हुए होते हैं। जैसे पाइनएप्पल है आपका, वो क्या है आपका, एक इनफ्लोरिस कंपोजिट फ्रूट है। ये दो टाइप के होते हैं, सोरोसिस और साइकोनस। यानी जो आपका अनानास वगैरह है वो सोरोसिस है, और जो सिंकस है वो आपका फिकस फ्रूट है। देन आपके साइंट बॉटनिकल नेम है बहुत सारे, जैसे मैंगो का है मैंगी फेरा इंडिका, बनाना गवावा पेसिडियम गुएजावा, पपाया का है कैरिका पपाया, लीची का है लीची चाइनीसिस, पोमिंग्रेनेट का है प्यूनिका ग्रेंटम, फिक का है फिकस कैरिका, एप्पल का है पायरस मेलस। तो ये कुछ नाम है। टोमेटो का है लाइको पर्सियम एस्क्यूलेंटम, कुकुम्बर का है क्यूक्यूमिस सेटिवस। तो कुछ ये नाम है जो आपको साइंटिफिक नेम है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको याद रखने हैं। देन ये डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स कैसे होता है, कई तरीके हैं। जैसे डिस्पर्जल बाय वाटर, इसे हाइड्रोकोरी भी बोलते हैं। डिस्पर्जल बाय एनिमल है उसे जूकोरी बोलते हैं, यानी एनिमल के थ्रू जो डिस्पर्जन होता है। एनिमल के थ्रू जो डिस्पर्जन होगा, इनमें स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो उसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म है, इसे ओटोकोरी भी बोलते हैं। देन सीड है आपका, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सीड दो टाइप के हैं, डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस। जिसमें एक कोटिलेडन होता है वो मोनोकोटिलेडनस होते हैं, जैसे कि आपका मेज। जिनमें दो कोटिलेडन्स होंगे जैसे ग्राम, वो क्या कहलाएंगे, डाइकोटिलेडनस। ऐसे ही ये एंडोस्पर्म है इनके अंदर या नहीं है उसके बेसिस पे ये दो टाइप के हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिनमें कोटिलेडन थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और एंडोस्पर्म प्रसिस्ट करता है उनमें और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब सीड जर्मिनेट करता है उस टाइम पे। एक्सएल्ब्यूमिनस वो होता है जिनमें जो फूड है वो एक्युमुलेट हो जाता है एंडोस्पर्म के अंदर, लेकिन एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बट इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैच्योर सीड आर विदाउट एंडोस्पर्म। यानी इस केस में जो एंडोस्पर्म होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उसके डेवलपमेंट के टाइम पे ही। तो एक्सएल्ब्यूमिनस जो हैं वो आपके ग्राम पी बीन मस्टर्ड वगैरह हैं, और एल्ब्यूमिनस जो हैं आपके वो कैस्टर पोपी ये सब हैं आपके। तो ये कुछ आपका था सीड वगैरह के बारे में। देन आपकी फैमिलीज हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और टिश्यू और सेल के लिए आप 9th क्लास की वीडियो चेक करें, वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल जो है आपके स्कूल का, उसमें सारी वीडियोस हैं। आगे का जो है चैप्टर्स वो कॉमन है 9th में और आपकी 11th का। उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो मैं आपकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँ। थैंक्स फॉर टुडे।